अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है चिकन नूडल्स बनाने की, और ये रेसिपी आपके घर में आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ ही हम लेंगे एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक गाजर, एक अंडा और 10 से 12 लहसुन की कलियां लेंगे। इसको बारीक काट लेंगे और शिमला मिर्च और गाजर को स्लाइस में कट कर लेंगे और प्याज भी। इस रेसिपी में आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक पैन में पानी बॉयल करेंगे और उसमें 1/2 टीस्पून ऑयल और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसी साइज़ के 3 नूडल्स ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे पका लेंगे जब तक कि नूडल्स पूरी तरह गल ना जाए। अब हम चिकन में कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इन सभी को मिक्स करेंगे। और ये देखिए नूडल्स बॉयल हो चुके हैं। इसे बॉयल होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें अंडा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से पका लेना है ताकि अंडे की स्मेल रिमूव हो जाए। तो ये देखिए अंडा पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं जाता तब तक हमें इसे पका लेना है। चिकन को हमें पूरी तरह से गला लेना है, तो इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। तो चिकन को पकते हुए यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और चिकन गल चुका है। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे, तो सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च, प्याज ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को हमें पूरी तरह गलाना नहीं है, सभी सब्जियों को हम हाफ कुक करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकते हुए और ये देखिए ये हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे और नूडल्स ऐड करने के बाद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद हम इसे एक मिक्स देंगे ताकि सभी सॉस नूडल्स में मिक्स हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि सभी फ्लेवर्स नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा यम्मी सा नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप भी इसे बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।